सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित सक्सेना और आज आप सुनेंगे कहानी ग्रामोफोन। लेखक हैं हरि भटनागर। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी ग्रामोफोन। जाफर मियां शहनाई के लिए मोहल्ले क्या अपने पूरे कस्बे में मशहूर थे। 3-4 बजते ही वे शहनाई लेकर चबूतरे पर आ बैठते और धूप निकलने तक बजाते रहते। वे शहनाई बजाते और ढोल पर साथ देता उनका दोस्त शंभू। शंभू शहनाई के बजते ही उठ बैठता और जाफर मियां के साथ ताल भिड़ाता। बताने वाले बताते हैं कि शहनाई का ऐसा बजैया और ढोल का ऐसा पिटैया कस्बे क्या दूर दूर के इलाके में दूसरा न था। सवेरे शहनाई और ढोल ना बजे तो मोहल्ले के लोगों की आंखें ना खुलती थी। लगता कि रात है, अभी सोए रहो। लेकिन अब न शहनाई है और न ढोल की आवाज। लंबे समय से सब कुछ खामोश है, जैसे सजा दे दी गई हो। और वास्तव में सजा दे दी गई थी, ढोल और शहनाई को नहीं, जाफर मियां को। उस सजा से जाफर मियां इतने गमगीन हुए कि उन्होंने शहनाई बजाना ही छोड़ दिया। शहनाई से जैसे उनका कभी कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। और जब शहनाई नहीं बज रही थी तो ढोल क्यों बजेगा। शंभू ने मारे अफसोस में ढोल खूंटी के हवाले कर दिया। रहे शहनाई और ढोल के आदि लोग, उन्हें लगता कि शहनाई और ढोल की आवाज बस उठने ही वाली है। ऐसा वे सोच तो लेते पर तुरंत ही अपनी गलती महसूस करते। शहनाई क्या, जाफर मियां ने तो दर्जीगिरी तक छोड़ दी। कुछ नहीं करते वे, चबूतरे पर हर वक्त गमगीन से बैठे रहते। न किसी से बोलते, न बतियाते। बीवी सामने खाना रख देती तो खा लेते, नहीं भूखे बैठे रहते। लोग कहते कि दिमाग पर असर होने से उनकी बोलती बंद हो गई है, अब खुदा ही उन्हें बचा सकता है। एक शंभुई है जो कहता फिरता है कि जाफर मियां को कुछ नहीं हुआ सिवाय सदमे के। खैर, उस सजा की एक छोटी सी कहानी है। जाफर मियां का कुंदन शाह नाम का एक दोस्त था। वो सुनार था और जाफर मियां के घर के ठीक सामने रहता था। जाफर मियां ने चोरी के डर से अपनी बेटी की शादी के जेवर और नकदी कुंदन शाह की तिजोरी में रखवा दिए थे, इस ख्याल से कि उसके पास सुरक्षित रहेंगे, और निष्फिकर हो गए थे। मगर जब बेटी की सगाई हुई और वे जेवर और नकदी लेने गए तो कुंदन शाह ने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास उसने कभी कुछ रखा ही नहीं। जाफर मियां चीखे, चिल्लाए, लड़े, झगड़े, इंसाफ के लिए लोगों को बटोरा, लेकिन कोई असर नहीं। कुंदन शाह टस से मस ना हुआ, जाफर मियां की बीवी की जलती गाली से भी नहीं। आखिर में जाफर मियां ने अपना माथा चौखट से फोड़ लिया और दाढ़ी नोच डाली, जिसका मतलब सब्र से था। और इस बद्दुआ से कि गरीब गुरबा का जेवर पैसा मारा है, हजम नहीं होगा, खाक में मिल जाएगा। मगर कुंदन शाह खाक में मिलने की बजाय दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा था। कच्चा कवेलू वाला मकान तोड़वा कर उसने पक्का मकान बनवाना शुरू कर दिया था। दरवाजे पर लोहे का फाटक लगवा दिया था और रोशनी के लिए एक लट्टू लटका दिया था। जाफर मियां के लिए ये सब तकलीफ दे था, पर गाली देने, बाल दाढ़ी नोचने के सिवा कुछ भी करने में असमर्थ थे। उस दिन दोपहर को जाफर मियां जबरदस्त तकलीफ में थे। इसकी वजह कुंदन शाना होकर वो इक्का था जिस पर लाउड स्पीकर में तीखी आवाज में फिल्मी गाना बज रहा था। यह आवाज इतनी तीखी और कान फोड़ू थी कि जाफर मियां बेचैन हो उठे
उन्होंने इक्के वाले को भद्दी गालियां देना शुरू कर दी, जो गाने की धुन पर मटकता हुआ गंदे इशारे करता जा रहा था। कान में उंगलियां रख कर तीखी आवाज से बचा जा सकता था, मगर गुस्से के आगे ये सूझ दुम दबाए कहीं दुबकी थी। तकरीबन हजार एक गालियां दे चुके होंगे जाफर मियां, फिर चुप हो गए जैसे थक गए हो। लेकिन तीखी आवाज के साथ कान के रास्ते होती हुई एक बात उनके जहन में जा पहुंची, जिससे कि वे अदृश्य से कहीं देखते हुए खोए रहे। फिर मुस्कुरा उठे, एकाएक फुर्ती से उठे और अंदर आकर बीवी से पूछा कि ग्रामोफोन कहाँ है। बीवी ने कबाड़ की तरफ इशारा तो कर दिया, मगर ये नहीं पूछ पाई कि ग्रामोफोन का क्या करेंगे। वो घबरा सी गई, अभी तक तो ठीक थे, चुप रहते थे, अब ग्रामोफोन मांग रहे हैं, इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं इतने पुराने कूड़े कबाड़ की क्या जरूरत थी। वो जाफर मियां को डरी निगाहों से देख रही थी, और जाफर मियां थे कि कूड़े कबाड़ को उठा उठा कर बाहर फेंकते जा रहे थे। पुराने जंग खाए टीन कनस्तर, सड़ी रजाइयां, सड़े गले कपड़ों की कतरने, पुराने टूटे छाते, खाट के पावे, वाद्य वगैरह वगैरह बाहर चबूतरे पर फेंके जा चुके थे। गर्द के साथ जिनकी तीखी गंध नथनों में बेतरह चुन चुनाहट मचा रही थी, मगर जाफर मियां को इस तीखी गंध का तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था। वे हड़बड़ी में थे और ग्रामोफोन को ढूंढ रहे थे। कुछ और सामानों को उलटने पटकने के बाद ग्रामोफोन मिल गया था, खुशी से वे फूले नहीं समा रहे थे। बीवी ने पूछा कि अरे ग्रामोफोन का क्या करेंगे, तो उनका जवाब था आग बरसाएंगे। आग बरसाएंगे? हाँ, ग्रामोफोन से कहीं आग बरसती है, बुदबुदाते हुए बीवी ने कहा। ऐसी आग बरसेगी कि दफन हो जाएगा साला। अपने में बड़बड़ाते हुए जाफर मियां ने हवा में एक भद्दी गाली उछाली और बाहर चबूतरे पर बैठकर ग्रामोफोन के कल पुर्जों को साफ करने लगे। बीवी ने सिर पर आंचल डाला और आसमान की ओर हाथ और आंखें कर अल्लाह ताला से जाफर मियां पर रहम की भीख मांगी। जाफर मियां बुरा समूह बनाकर बड़बड़ाए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने की जरूरत नहीं, आग तो बरस कर रहेगी, अल्लाह ताला भी नहीं रोक पाएंगे। काफी देर तक जाफर मियां कल पुर्जों को साफ करते रहे। आखिर में जब मामला जमता नहीं दिखा तो उन्हें कुछ याद आया। अंदर आए और उस चादर को ढूंढने लगे जिसमें गरम कपड़े बंधे थे, जिसे कभी वे ओढ़ा करते थे। चादर जब मिल गई तो उन्होंने सारे गरम कपड़े जमीन पर पटक दिए और कल पुर्जों को समेट बाजार आए, अपने दोस्त दीना के पास, जो कभी ग्रामोफोन दुरुस्त करता था, अब लाउड स्पीकर वगैरह दुरुस्त करता है। दीना ने ग्रामोफोन देखा और हंस पड़ा। एकाएक उसने काम में डूबकर गंभीरता से कहा, कबाड़ी की दुकान पीछे है। जाफर मियां ने उसे गुस्से से देखा। दीना ने कहा, अबे ऐसे क्या देखता है, मैं कबाड़ी हूं हैं? जो मेरे पास कबाड़ ले आया। जाफर मियां ने बताया इसे दुरुस्त करना है, तो दीना ठटाकर हंस पड़ा, अबे इसे ठीक कराकर सुहागरात मनाएगा। हाँ सुहागरात मनाऊंगा, जाफर मियां ने कहा, और उनकी आंखें गीली हो गईं। उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म का बयान किया और ग्रामोफोन को राइट कराने की वजह बताई। ये बाल सुलभ हरकत थी, फिर भी दीना ने जाफर मियां का दिल नहीं तोड़ा और ना ही किसी तरह की बहस की। ग्रामोफोन की जगह उसने एक टेप रिकॉर्डर और बहुत सारे सामानों के साथ बड़ा सा लाउड स्पीकर दिया, ताकि वे अपना काम बखूबी कर सकें। इन सामानों को लिए खुशी से भरे जाफर मियां जब अपने दरवाजे इक्के से उतरे तो बीवी ने मत्था पीट लिया। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें आश्चर्य से घेर लिया। थोड़ी देर में
तेज आवाज में गाना बजा तो पूरे जश्न का माहौल था। तकरीबन पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। बच्चे गाने की धुन पर थिरक रहे थे। उनके बीच जाफर मियां थे जो अनेक अनेक भाव मुद्राएं बना मटकते जाते थे। एकाएक जाफर मियां ने देखा बीवी नदारत है। यहां तक कि मोहल्ले के सारे लोग जा चुके हैं, सिर्फ बच्चे हैं जो थिरक रहे हैं। समझ गए कि पागल हरकत मानकर सब सरक गए हैं। उन्होंने सिर झटका और सोचा कोई मुजायका नहीं, कोई रहे या ना रहे, वे अपना काम करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। बाहर वे काफी देर तक खड़े रहे। गली में अंधेरा छाया था, मच्छर कानों से टकरा रहे थे। किसी किसी के घर के लोगों के हंसने, बोलने बतियाने और बर्तनों की आवाजें आ रही थी। कोई कुत्ते को दुड़दुड़ा रहा था। सुभावन के घर का पल्ला शायद खुला था, जिसमें लालटेन की पीली मरी सी रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन फौरन ही वो गायब हो गई। लगता है किसी ने पल्ला भेड़ दिया। किसी किसी घर के सामने चिमगियां चमक रही थीं, लोग बीड़ियां पी रहे थे। जाफर मियां ने कुंदन शाह के घर की ओर देखा। अंधेरे में ढका था उसका घर। लट्टू भी कई दिन से नहीं जल रहा था। किसी के बोलने बतियाने की आवाज भी नहीं आ रही थी। शायद सब सो गए थे। जाफर मियां ने सांस खींचकर सिर झटका, जैसे कह रहे हो सो, चैन से सो, देखता हूं कब तक सोते हो। गली के छोर पर जब कुत्ते रोने लगे, वे लंबे डग बढ़ाते अपने चबूतरे पर आए और गाने की तीखी आवाज का मुआयना करने लगे। गाने की तीखी आवाज कुछ ऐसे गूंजती जैसे हजारों हजारों मोर एक साथ चीख चिल्ला रहे हों, लाखों लाख कौवे हों जो किसी एक कौवे पर हुए जुल्म पर चीत्कार कर जुल्मी पर टोंट पंजे मार रहे हों। ऐसा भी लगता जैसे करोड़ों की तादाद में मुसलमान हाय हसन करते हुए छाती पीट रहे हों। उन्हीं के साथ बड़े बड़े नगाड़े ड्रम तासे मानो हाय छोड़ रहे हों। जाफर मियां ठठाकर हंसे। जिस वक्त तीखी आवाज में गाना बजना शुरू हुआ, कुंदन शाह खाना खा रहा था। उसने झांक कर देखा, जाफर मियां उसकी तरफ भद्दे इशारे करते हुए मटक रहे थे। उसे लगा कि ये सब उसे तंग करने के लिए है। क्रोध में पागल होते हुए उसने थाली उठाकर नाली पर फेंक दी, दरवाजे पर लात मारी, बीवी को भद्दी गालियां देते हुए जो उस पर बड़बड़ाने लगी थी खाट पर लेट गया दांत पीसते हुए। एकाएक मन हुआ कि उठे और जाफर मियां के मुंह पर तेजाब डाल दे। वो उठा, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा पाया, कांप गया। एकाएक सोचा वो इतना परेशान क्यों है, क्यों मान बैठा कि जाफर मियां का गाना बजाना उसे तंग करने की खातिर है। अरे जाफर तो पागल है पागल, उसकी पागल हरकत पर वो क्यों परेशान होता है। उसने ऐसा सोचा मगर दूसरे पल फिर परेशान हो उठा। जाफर उसे देखकर भद्दे इशारे कर रहा था और मटक रहा था, क्यों, उसे तंग करने के लिए। हे भगवान, उसने सोने की कोशिश की लेकिन वो रात भर सो न सका। बुरी तरह करवटे बदलता रहा, रह रहकर बैठता, गालियां बकता। सवेरे वो बेतरह बौखलाया हुआ था। उसने जोरों से दरवाजा खोला, अगल बगल देखा, कोई ना दिखा तो बाहर आ खड़ा हुआ, लेकिन तुरंत ही घर में तेजी से घुसा और जोरों से दरवाजा बंद किया। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने उतने ही जोरों से दरवाजा खोला और बाहर आ खड़ा हुआ। बेचैनी उसकी और बढ़ गई थी, दिमाग की नसों में तनाव और आ गया था, भिजी मुट्ठियां कांप रही थी। वो लड़ने के पूरे मूड में दिख रहा था।
एकाएक वो किसी पागल की तरह बड़बड़ाता हुआ फाटक का खटका सरका नल की ओर फुर्ती से बढ़ा जहां पानी भरने वाले लोगों की भीड़ थी। उनके पास पहुंचकर वो हाथ लहरा लहरा कर लोगों से कुछ कहने लगा। सुनाई तो पड़ नहीं रहा था, सिर और छाती पीटने से लग रहा था कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत कर रहा है। जाफर मियां बेहद खुश थे उस दिन, उनका निशाना सही जगह पर लगा था। दो चार रोज कुंदन शाह नहीं दिखा। जाफर मियां की बेचैनी बढ़ी। उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि पास के शहर में पायलें खरीदने गया है। जाफर मियां को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने उसे निकलते देखा ही नहीं। हर वक्त तो वे उस पर निगाह रखें, कब निकल गया। फिर सोचने लगे कि हो सकता है अंधेरे में निकल गया हो। खैर, कुंदन शाह घर में हो या ना हो, जाफर मियां ने तीखी आवाज में मंदी नहीं आने दी। एक दिन जाफर मियां की बीवी बाजार से सौदा सुलुफ लेके लौटी तो उन्होंने बताया कि कुंदन शाह तो कहीं नहीं गया, लोग झूठ बोलते हैं, वो तो बिस्तरे पर पड़ा है। कहते हैं उसके सिर में बेपनाह दर्द रहता है, बीवी बच्चे पैरों से कचरते हैं तब भी चैन नहीं मिलता। किसी वैद हकीम को क्यों नहीं दिखाता, जाफर मियां ने संजीदगी ओढ़ते हुए कहा। मुए ने जैसा करा है वैसा तो भरेगा, इसमें वैद हकीम क्या कर लेंगे। वैद हकीम तकलीफ की दवा देंगे। जाफर मियां कुटिलता से मुस्कुराए। तुम जाकर कहो ना कि इलाज कराए। हाँ हाँ, मैं कहूंगी उस कमीन मुझले से, बीवी ने कुड़कर कहा। मर जाए तो अर्थी पर थूकू तक नहीं। ये दर्द क्यों हो गया उसे, जाफर मियां ने निहायत ही संजीदा होकर पूछा। पता नहीं, पान की पीक फूकते हुए उन्होंने कहा, भाड़ में जाए। यकायक उन्होंने आंखें गोल करके पूछा, तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो। कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। कुछ भी हो, आखिर अपना पुराना दोस्त ही तो है, उन्होंने बीवी को बहकाना चाहा। बीवी यकायक भावुक हो गई, बोली, हाँ ये तो मैं भी सोच रही थी, पूरी बात तो नहीं, इतना जानती हूं कि उसे नींद नहीं आती, रात रात जागता रहता है। हर वक्त उसे लगता है कि बड़ी बड़ी टीन की चद्दरें, बड़े बड़े ड्रम कोई छत पर पटक रहा हो। जाफर मियां मुस्कुराहट छिपाए उठे और बाहर आ खड़े हुए जहां तीखी आवाज के सिवा कुछ ना था। उस तीखी आवाज में उन्हें लगा कि हजारों हजार आदमी औरत बच्चे चीख चिल्ला रो रहे हों, जैसे भीषण आग लगी हो, सब चीत्कार कर रहे हों, कोई बचाने वाला ना हो। उन्हें लगा कि ये रोने चीखने चीत्कार करने वाले और कोई नहीं, वे ही खुद हैं। वे सोचने लगे कि इन्हें कहीं का ना छोड़ने वाला क्या चैन से बैठ सकता है। नहीं, कतई नहीं, यकायक वे गुस्से में भर उठे और उन्होंने मुट्ठियां भींचकर तेज आवाज में कई गालियां बुलंद की। इस बीच एक रिक्शा कुंदन शाह के दरवाजे पर आकर रुका। रिक्शावान जमीन पर उकड़ू बैठकर बीड़ी पीने लगा। थोड़ी देर में एक बीमार सा आदमी, जो गंदे मुचमुचे कपड़े में लिपटा सा था, जिसे कोई औरत पकड़े हुए संभालती ला रही थी, रिक्शे की ओर बढ़ा। जाफर मियां ने गौर से देखा, ये आदमी और कोई नहीं, कुंदन शाह था, और उसको संभालने वाली कुंदन शाह की बीवी थी। कुंदन शाह का होलिया बदल गया था, चेहरे पर पीलापन छा गया था और उसमें सिकुड़न बासी मूली जैसी थी। सिर पर दाढ़ी के बाल जरूरत से ज्यादा सफेद और बेतरतीब हो रहे थे। रिक्शेवान ने कुंदन शाह को रिक्शे में बैठाने में मदद की और रिक्शा आगे बढ़ा ले चला। कुंदन शाह डॉक्टर के पास गया।
डॉक्टर ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखी, पलके फाड़ी और उनमें टॉर्च की रोशनी मारी, जीभ बाहर निकलवाई और मुंह बड़ा सा फड़वाया। और जब वो ठीक से मुंह नहीं फाड़ पाया तो डॉक्टर ने मुंह देखा ही नहीं, पीठ और छाती पर आला फेरा और घुटनों पर उंगलियां बजाई। यकायक कंपाउंडर पर किसी बात पर चीखते हुए डॉक्टर ने दवा की पर्ची लिखी और 5 दिन के बाद आने को कहा। कुंदन शाह ने दवाई खाई और 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। इस बार डॉक्टर ने सरसरी नजर उस पर डालकर पहले लिखी दवाइयां फिर से खाने को लिख दी और 5 दिन बाद आकर हाल बताने को कहा। डॉक्टर की हिदायत मानते हुए कुंदन शाह 5 दिन के बाद कांखता कूखता फिर किसी तरह पहुंचा। इस बार उसकी हालत पहले से ज्यादा पस्त थी, पहले से ज्यादा टूटा था। डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और माथा सिकोड़कर सामने खड़ा हो गया, जैसे मर्ज को फिर से जांचने का विचार कर रहा हो, और बाएं हाथ की उंगलियां होठों पर दौड़ाने लगा। यकायक उसने उसकी जांच शुरू कर दी, पलके फाड़ कर देखी, जीभ बाहर निकलवाई, नाखून देखे, सीने और पीठ पर आला फेरा और गहरी सांस छोड़कर कुर्सी पर पसर गया। माथे पर उसके बल था, आंखें सिकुड़ी थीं और होंठ भिजे, लगता था जैसे अभी अभी चिल्ला पड़ेगा, लेकिन वो चिल्लाया नहीं, बस इतना बोला, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं? कुंदन शाह कांखते हुए चुंधी आंखें मिच मिचाता किसी तरह उठकर बैठता हुआ रोनी आवाज में बोला, कोई बीमारी नहीं तो हालत क्यों पतली है? इस प्रश्न पर डॉक्टर कुछ नहीं बोला, एक टक उसे देखता रहा। पत्नी कुछ बोलने को हुई कि कुंदन शाह ने आगे कहा, रात रात भर नींद नहीं आती, कहीं उस दर्जी उस जाफर की कारस्तानी तो नहीं? कौन जाफर, कौन दर्जी? डॉक्टर ने सख्त नजरों से उसे देखा और गुस्से में कहा, मैं किसी दर्जी बर्जी को नहीं जानता। सहसा कुंदन शाह की बीवी कड़कती आवाज में हाथ लहराती बोली, जाफर मुआ दर्जी है, मुंह जला, दिन रात बाजा आग की तरह फूके रहता है, उसका नाश हो जाए। डॉक्टर सख्त होकर बोला, आप क्या चाहती हैं, कि मैं जाकर उसका बाजा बंद कराऊं? डॉक्टर झल्ला उठा यकायक और मेज पर मुक्के पटकने लगा, आप दोनों पागल हो गए हैं, पागल, चले जाइए यहां से। लेकिन साहब मेरी तबीयत तभी से गड़बड़ है। कुंदन शाह कांपते पैरों पर खड़ा अपने दोनों हाथ सिर पर रखे बुदबुदाया, उसी ने टेप बजा बजा कर। इधर डॉक्टर दोनों की बातों पर सिर पीट रहा था, उधर जाफर मियां से एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों मियां, आज तुम्हारी दुकान ठंडी क्यों है, हैं? कोई गाना वाना नहीं हो रहा है? जाफर मियां ने सिर हिलाते हुए कहा, बजाऊंगा, जरूर बजाऊंगा, परेशान ना हो, कुंदन शाह को डॉक्टर के यहां से तो लौटने दो। लेकिन जब कुंदन शाह डॉक्टर के यहां से लौटा, रिक्शे से किसी तरह उतर नहीं पा रहा था और आखिर में सीट से जमीन पर आ गिरा किसी कटे पेड़ की तरह, जाफर मियां अपने को रोक न सके, टेप रिकॉर्डर को परे करते तेजी से दौड़े। कुंदन शाह के माथे पर उन्होंने हाथ फेरा, वो बेहोश हो गया था। दौड़कर जाफर मियां लोटे में पानी लाए और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुंदन शाह ने जब अपनी आंखें खोली और फड़फड़ाते होठों से, जाफर भाई, बुदबुदाया जैसे अंतिम सांस ले रहा हो। जाफर मियां की आंखों से झर झर आंसू बह निकले। थोड़ी देर बाद जाफर मियां
चबूतरे पर बैठे शहनाई बजा रहे थे। शहनाई की आवाज से शंभू बैठा ना रहा, घर से वो ढोल बजाता निकला। जाफर मियां की बीवी ये सब देख सिर पर आंचल डाल अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी। तो ये थी कहानी ग्रामोफोन। लेखक थे हरि भटनागर। कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।